अजनेरा किरावली रोड स्थित नारायणी पैलेस मैरिज होम से सविता समाज के लोगों ने नारायणी माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस भव्य शोभा यात्रा का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ फतेहपुर सीकरी के विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने महाराज सेन और नारायणी माता के चित्र की आरती उतार कर किया। इस दौरान सविता समाज के लोगों ने रामेश्वर चौधरी का साफा और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अजनेरा नगर में समस्त सविता समाज द्वारा एक विशेष पैदल शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ बड़े ही उत्साह पूर्वक निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने सेन महाराज और नारायणी माता के चित्र की आरती उतार कर किया। शोभा यात्रा अजनेरा किरावली रोड स्थित नारायणी मैरिज होम से शुरू होकर भरतपुर रोड मुख्य बाजार सब्जी मंडी से होती हुई अलवर जिले के रामगढ़ स्थित नारायणी माता के प्राचीन मंदिर के लिए रवाना हुई। इस शोभा यात्रा का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। सविता समाज की ओम प्रकाश सविता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलवर जिले के रामगढ़ में पुरानी परंपरा के अनुसार एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भाग लेने के लिए सभी प्रांतों से सविता समाज के लोग नारायणी माता के दर्शन करते हुए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में तहसील किरावली और ब्लॉक अजनेरा के श्रद्धालु पिछले साल की तरह इस बार भी दूसरी बार पैदल यात्रा करते हुए नारायणी माता के दर्शन के लिए मेले में शामिल होकर माता रानी के दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। मैं सविता समाज से कागारोल से निवास करता हूँ और सविता समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि अजनेरा परिषद में ये द्वितीय बार मान नारायणी पैलेस से नारायणी धाम राजस्थान अलवर के लिए ये पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सविता समाज के द्वारा ये बहुत ही भव्य तरीके से ये द्वितीय वर्ष किया जा रहा है और हर वर्ष ये किया जाएगा प्रोग्राम माँ नारायणी धाम के लिए। जितने भी लोग जाने वाले हैं उन सबका आभार व्यक्त करते हैं हम सभी सविता समाज। और ऐसे प्रोग्राम आए दिन होते रहते हैं। फतेहपुर सीकरी से भी आज के दिन ये पैदल यात्रा जा रही है माँ नारायणी धाम के लिए। वहाँ नारायणी धाम में बहुत भव्य तरीके से मेला का आयोजन। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अजनेरा से ईशु चेनानी की रिपोर्ट।